हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में आप सभी का स्वागत। मैं आज फिर से आप सभी के लिए, जैसा कि आप लोग का दो वीडियो प्लेलिस्ट बन चुका है, पेनोरमा पार्ट टू इंग्लिश बुक की, उसमें एक एक चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन हिंदी के साथ एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं और ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं। पहला वीडियो एक्सप्लेनेशन का होता है, दूसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन आंसर का होता है। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको चैप्टर को आसानी से समझने में काफ़ी मदद करेगा और कहीं ना कहीं इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो भी सब्जेक्टिव आएंगे, अगर लाइन बाय लाइन अभी अभी जो हम एक्सप्लेन करेंगे और सही से समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, चलिए स्टार्ट करते बिना देरी करते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थंबनेल पर भी देख चुके होंगे, ये दूसरा चैप्टर है हम लोग का। दूसरा चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी एंड द इकोलॉजी बिट। अब देखिए इसमें जो है ये चैप्टर पूरा जो है पर्यावरण से रिलेटेड है। मी एंड द इकोलॉजी बिट को किसने लिखा है? जॉन लेगजार्ड ने लिखा है, जॉन जॉन लेग्जा ने लिखा है। चलिए इनके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, जॉन लेग्जा के बारे में फिर क्या है, लाइन बाय लाइन के बाद हिंदी भी हम जानेंगे। जॉन लेग्जा प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट हाउ द इश्यूज ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडीज कंसर्न एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। कहने का तात्पर्य है जॉन लेग्जा जो प्रेजेंट माने जो लेसन है मी एंड द इकोलॉजी बीच में कहते हैं, बताते हैं कि ब्रिंग्स आउट माने बताना, हाउ द इश्यूज ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के संरक्षण के मुद्दों के बारे में एंड सेविंग इकोलॉजी या पर्यावरण के बचाने के बारे में एवरीबॉडी कंसर्न सभी के लिए चिंता का विषय है एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व और इसको सॉल्व करना, इसको हल करना आसान नहीं है, कठिन है। प्रीचिंग अबाउट द इकोलॉजी, प्रीचिंग माने होता है उपदेश देना, प्रीचिंग मतलब होता है उपदेश देना, यानी इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना आसान है बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन और लेकिन ठीक इसके विपरीत कठिन है इनके माने सुरक्षा के बारे में ख्याल रखना, उनके साथ बने रहना। जैसा कि आप लोग हिंदी में आप देख लीजिए लाइन बाय लाइन, हिंदी भी समझ लीजिए एक चीज़ों को अच्छे से। क्या जॉन लेग्जा का वर्तमान पाठ मी एंड द इकोलॉजी बीट बताता है कि कैसे पर्यावरण को संरक्षित करने और पारिस्थितिक यानी पर्यावरण को बचाने का मुद्दा हर किसी के लिए चिंता का विषय है और इसे हल करना मुश्किल है। परिस्थिति के बारे में उपदेश देना आसान है लेकिन परिस्थिति के संरक्षण के नियमों का पालन करना कठिन है। वास्तव में हर एक आदमी एक दूसरे को बता रहे हैं पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए लेकिन खुद कोई अमल नहीं करता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। एक लड़का है जिम, काफ़ी मेहनत करता है, लोगों को समझाता है लेकिन बेचारा लास्ट में जाके खुद उनको माने खुद पर अफसोस होता है जो हम क्या करने लगे, लोगों को क्यों समझा रहे हैं और उनकी कोई बात नहीं समझता। चलिए आगे के लाइन में देखते हैं एक एक चीज। ये तो था इंट्रोडक्शन, पोएट का, ऑथर का इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप लोग यहाँ के अनुसार भी देख सकते हैं, प्यारा सा पर्यावरण का संरक्षण का फोटो है, मेज की तरह आप लोग को ये पीडीएफ बनाया गया है इमेज करके। चलिए अब साइन को देखिए, प्रॉपर कर लेते हैं। आशा करते हैं आप लोग एक एक चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, या निश्चित है कि लोगों के लिए माने पर्यावरण के
के लिए काम करना कठिन है लोगों में, नहीं लोगों को समझाना पर्यावरण के बारे में कठिन है। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग। सभी माने इनके फेवर में है, सभी चाहते हैं पर्यावरण के संरक्षण हो, लेकिन कोई करता नहीं, कुछ करना नहीं चाहता इसके बारे में, यानी पर्यावरण के बारे में। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, कम से कम मैं कुछ कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल वाट दे शुड डू, और मैं घूम घूम कर लोगों को बताता हूँ उन्हें क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन हमको बदले में क्या मिलता है, धुतकार मिलता है, उल्टे लोग हमको ही समझाने लगते हैं, बैक टॉक उनको मिलता है। चलो इसके अब हिंदी लाइन बाय लाइन समझ। निश्चित रूप से लोगों को परिस्थिति के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना कठिन है, वास्तव में हर कोई इसके पक्ष में है, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता। कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे बस ढेर सारी पिछली बातें ही मिलती है, यानी पिछली बातें यानी बेतुकी, माने उनको ही लोग समझा देता है। चलिए आगे के लाइन में देखिए, आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास एक पेपर रूट है। माई फादर हैड वन एंड ही वॉज ए किड सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, और मेरे पिताजी जब बचपन थे तो जब बचपन के बच्चे थे तो ही मेड मी, तो उसने जो है बनाया था एक मैंने लास्ट ईयर वही पेपर रूट। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, और कहते हैं मैं पेपर रूट और अपने होमवर्क के बीच आई हार्डली हैव टाइम, मुझे मुश्किल से समय होता है फॉर प्लेइंग खेलने के लिए, बॉल गेंद खेलने के एंड स्टॉप खेला है स्टॉप। सम डेज आई गेट इनटू ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कभी कभार जो है कुछ कभी कभी एक इनिंग से कुछ इनिंग खेलते हैं, नहीं इनिंग होता है क्रिकेट का, कुछ इनिंग खेलते हैं, हर खेला का इनिंग होता है, कुछ इनिंग खेलते हैं और हमको जो है समय नहीं मिलता है। अब हिंदी देख लीजिए, मेरे पास यह पेपर रूट है, जब मेरे पिता बच्चे थे तब उनके पास एक था नहीं तो पिताजी, इसलिए उन्होंने पिछले साल मुझे एक पेपर रूट दिया। इसके और मेरे होमवर्क के बीच मेरे पास गेंद खेलने और अन्य चीज़ों के लिए मुश्किल से ही समय होता है, कभी कभी मुझे केवल कुछ पारियों में ही समय मिलता है, तो कुछ पारी खेला इसके बाद घर को, माने पर्यावरण के बारे में लोगों को समझाने में बिजी रहते हैं। कौन आगे देखिए, एक एक चीज़ों को हम बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपके साथ इंग्लिश को अच्छी तरह से एक अलग लेवल में समझ सके और अपने तैयारी को अलग लेवल तक ले जाएं। उसके बाद बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट I put in a good work for ecology like last Saturday morning. It was a good collecting day. It has just turned spring and a lot of people were outside. आप देखो बुआरे, देखो समझो इधर। लेकिन किसी ना किसी तरह मैं जो है समय निकाल ही लेता हूँ Saturday को, शनिवार को वैन माने जब जमा करता हूँ मैं छुट्टी निकाल कर मैं कलेक्ट करता हूँ जो पर्यावरण संरक्षण हेतु को मैंने वो सब सामान लेता था, तो का कूड़ा कचरा वो लेता था नहीं। आई पुट इन ए गुड वर्क, मैं अच्छा काम करता हूँ फॉर इकोलॉजी माने पर्यावरण के लिए, लाइक लाइक लोगों को बताता था लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, लेकिन पिछले सैटरडे सुबह की तरह माने शनिवार सुबह की तरह ये भी मेरा दिन था, कलेक्टिंग डे था माने कलेक्ट करने का समय था मेरे लिए। इट हैज जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ फ्लावर आउटसाइड, और थोड़ा सा जो है मौसम ही था, स्प्रिंग था, बसंत था, लोग ठंडी में क्या होते हैं अपने अपने घर रहते हैं, लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा था, लोग बहुत सारे लोग बाहर ही थे। देखो क्या है हिंदी पूरा जानो, लेकिन किसी भी तरह शनिवार को जब मैं इकट्ठा होता हूँ इकट्ठा करता हूँ तो परिस्थितियों के लिए एक अच्छा काम करता हूँ, यानी पर्यावरण के लिए, परिस्थिति की मतलब समझ लेना। पिछले शनिवार की सुबह की तरह एक यह एक अच्छा संग्रह दिवस था,
अभी अभी बसंत आया था और बहुत सारे लोग बाहर थे, मौसम अच्छा था, सभी लोग बाहर थे, सभी लोग को समझाया करते थे। आगे देखो, एक बात ध्यान रखना, बुआ एक एक चीज़ों का अगर समझ लेते हो लाइन बाय लाइन, फिर आपको चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो, आप खेल जाएंगे, सही खेल जाएंगे, एक सही वे में आंसर को लिख सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड योर चैप्टर, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व योर एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इजिली। ओके, आगे देखो क्या क्या कर रहा है जी। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं जो है विलियम के घर गया, मिस्टर विलियम के घर, एज यूजुअल जैसा कि जाया करता था, एज यूजुअल का मतलब है ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, और वो बहाना बनाने कोशिश किया था कि वो घर पे नहीं है, बहाना बनाने का कोशिश में लगा हुआ था। बट आई सी हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैंने उसे देख लिया पिछवाड़े में, मैंने आंगन के पीछे जो है पतियों को जला रहे थे, तो ही जस्ट अक, अब तो वो फंस गया। ही पेज मी, वो मुझे चुकाता है, कुछ पैसा देता है, एंड आई टेल हिम, और मैं उन्हें कहता हूँ यू शुडंट बर्न दोज लिप्स, आपको इस पतियों को नहीं जलाना चाहिए, इट इज़ बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, ये जो है वायु के लिए अच्छा नहीं, खराब है, और पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं, बैड फॉर एयर एंड इकोलॉजी, इट इज बैड फॉर एयर एंड इकोलॉजी, वायु के लिए और पर्यावरण के लिए जो है खराब है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी, हमें जो है हम लोगों को, आपको जो है कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए लाइक वी, जैसा कि हम बनाते हैं कंपोस्ट पाइल, यानी पत्तियों को नीचे गाड़ देना, वो खाद के रूप में बन जाता है, कंपोस्ट पाइल कहते हैं बनाने, नीचे दबा देने के लिए, जलाना नहीं चाहिए। पुट इन द लीव्स, उसमें मैंने पत्तियों को रखे, कूड़े कचरे को रखे, एंड स्टफ गुड फॉर गार्डन, ये जो है बगीचा के लिए अच्छा रहेगा। चलो इसको लाइन बाय लाइन हिंदी, मैं मिस्टर विलियम के घर गया हमेशा की तरह एज यूजुअल, उसने यह दिखाया, दिखावा करने की कोशिश की वह घर पर नहीं है, लेकिन मैंने उसे पिछवाड़े में पत्ते जलाते हुए देखा, इसलिए वह फंस गया है, वह मुझे भुगतान करता है, और मैं उसे बताता हूँ आपको उन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, यह हवा के लिए हानिकारक है, खराब परिस्थिति के लिए है, पर्यावरण के लिए भी खराब है, आपको हमारी तरह खाद का ढेर बनाना चाहिए, कंपोस्ट वाली यानी खाद, इसमें पत्तियां कचरा और सामान डालें, बगीचे के लिए अच्छा है, यानी उसमें जलाइए मत, कंपोस्ट पाइल बनाइए, इसमें क्या पत्तियां कचरा और सामान डालें, खाद का रूप जो है बन जाए, पत्तियां कचरा सब जो है उसको रख के मैंने दाब देना चाहिए, आने का मतलब ही इसका अजीब। चलो आगे देखो क्या कह रहा, एक इमेज सुंदर ढंग से बनाने का प्रयास किया, आप लोगों को दिक्कत ना हो। आगे देखिए, he doesn't agree or hang his head on it, he says that compost pile is your job at home gym, aur wo jo is baat se sahmat nahi hota hai, value nahi deta hai, ha sir mane sharminda se mane aaya aur wo kehta hai ye jo hai compost pile wala kaam jo hai tumhara kaam hai, tumhara job hai at home ghar par, mera nahi tumhara hai na, is tarah se kar raha hai, dekho na hindi mein tarah se samjha, वह सहमत नहीं है, उसका सिर शर्म से झुक जाता है, हैंग हिज हेड इन शेम,
वह कहता है वह खाद का ढेर घर पर तुम्हारा काम है ना, तुम्हारा काम है खाद बनाना, हमारा काम नहीं है। तो विलियम कहते किससे? जिम से। आगे देखो क्या और फिर क्या कहते हैं, फिर जिम भी जवाब देता है, यस आई से प्राउडली विच वुड शॉक द आइडिया आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू। और हाँ मैं गर्व से कहता हूँ उसे चौंकाने के लिए, जो उसको चौंका दे, उसके विचार को झंझो कर रख दे कि मैं नफरत नहीं करता हूँ कंपोस्ट से, नहीं कि मैं खाद से नफरत करता हूँ ऐसा उनको महसूस ना हो। विच आई डू, जो मैं करता हूँ मैं बनाता भी हूँ, क्यों कहूँ मैं उसको जो मेरा काम नहीं है। मैं भी माने गर्व से कहा जो मेरा ही काम है। देखो बोल रहा है हाँ मैं गर्व से कहता हूँ जिससे यह विचार चौंक जाए कि मुझे खाद के साथ काम करने से नफरत है, जो मैं करता हूँ और मैं करता हूँ तो कहने में क्या दिक्कत है। हाँ मेरा ही काम है, आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, कह रहा है जी। ये आगे आप देखिए बुआ रे, मिस्टर विलियम सेज वेल डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ इच लेयर, देन वी वुडंट हैव दिस नो सॉल्यूशन। और मिस्टर विलियम कहते हैं डोंट यू टेक लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, ठीक है आप इसके साथ थोड़ी थोड़ी परेशानी नहीं उठाएंगे, पुट एनफ डर्ट ऑन द टॉप इच लेयर, प्रत्येक परत के ऊपर पर्याप्त गंदगी डालें, यानी नीचे में डालें धरती के अंदर, तब हमारे पास यह नाक प्रदूषण नहीं, जो जलाकर जो है नोज पॉल्यूशन होता है, नहीं ये जो है आप नीचे डालेंगे नहीं जलाएंगे तो ये नोज पॉल्यूशन नहीं होगा। कौन कहते हैं? जिम कहते हैं। किन से? सर विलियम से कहते हैं। तब माने ठीक है कि आप इसका थोड़ी थोड़ी परेशानी नहीं उठाएंगे, प्रत्येक परत के ऊपर पर्याप्त गंदगी डाले तब हमारे नाक प्रदूषण नहीं होगा, ये कौन कहते हैं? जी थोड़ा थोड़ा माने है ये दिक्कत, थोड़ी थोड़ी परेशानी नहीं उठाएंगे कहते हैं किससे? मिस्टर विलियम। कौन? जी आप देखो क्या होता है, अब कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, अब क्या होता है सो देखो बुआ रे। अब जो है कह देता है माने माने है कैसा बात करता है इस तरह से, आई से यू मीन नॉइज पॉल्यूशन, तुम्हारे कहने का मतलब है ध्वनि प्रदूषण? नो ही सेज आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल डिश, यानी फिर जिम कहते नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका कंपोस्ट जो है स्मेल्स ऑफ होल स्ट्रीट, माने जो आप जला रहे हैं ये जो पूरे गंदगी माने पूरे गली को जो है दुर्गंध फैलाएगा। देखिए मतलब हाँ मैं कहता हूँ आपका मतलब ध्वनि प्रदूषण है, नहीं वह कहते मेरा मतलब है कि आपकी खाद से पूरी सड़क तक बदबू आती है, यानी आप इस तरह से जो करेंगे आप जो है पूरे बदबू आएगा पूरे गली में पूरे मोहल्ला में। अब आगे देखो फिर जिम क्या कहते हैं, My feelings are hurt, but that doesn't stop me from trying again. मेरा फीलिंग भावनाओं को चोट पहुंचाया गया लेकिन मैं रुका नहीं, पर ये बार बार प्रयास करते रहा, रुकने में कोशिश करने में से था मैं रुका नहीं। I go to collect from Miss Green. I have to call her Miss. Just Green के पास गए और उसे क्या कहते हैं? Miss Green कहते हैं। Because if he call her Miss, Mr. She says she doesn't have time to pay me. अगर उसके मिस्टर्स कहे मैंने कहता मिस ग्रीन को तो वो जो है पैसा नहीं देता, ये उसको मिस कहते हैं। कौन? जी आप देखिए क्या कहते हैं, देखिए पूरी एक लाइन वाला, मेरी भावनाएं आहत हुई है लेकिन यह मुझे दोबारा प्रयास करने से नहीं रुकता। मैं मानता हूँ कि हमारी भावना को लोग चोट पहुँचा रहे लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा लोगों को बताते रहूँगा
मैं सुश्री ग्रीन से लेने जाता हूँ, माने जो भी कूड़ा कचरा है मुझे उसे सुश्री ग्रीन कहना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उसे श्रीमती कहता हूँ वह कहती है कि उसके पास मुझे भुगतान करने के लिए खुले पैसे नहीं है, तो क्या कहते हैं सुश्री कहते हैं, श्रीमती नहीं कहते हैं, सुश्री कहते हैं किसको, मिस ग्रीन को, तब जाके वो पैसा देता है, कुछ चेंज देता है। अगर श्रीमती कहता है फिर उसको पैसा नहीं देता है। चलो आगे दे, शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, ऑन सैटरडे एंड संडेज वी हैव लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। अब देखो क्या होता है, वह जो है पूरा कूड़ा कचरा को जो ढेर रखती है कब, वीकली पिकअप के लिए, मैंने सप्ताह में एक बार पिकअप करने के लिए आता है, कब, सोमवार को, कि वो जब ऑन वीकेंड्स है वो जो है कहीं चले जाती है वीकेंड्स पर, सैटरडे और संडे को, तो ऑन सैटरडे संडे वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज, हमें देखना पड़ता है कि घर पर बहुत सारे प्लास्टिक बैग, थैला, बहुत सारा कूड़ा कचरा, हर लॉन उसके जो है घास के मैदान पर उसके घर में आंगन में, बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं सिर्फ कूड़ा कचरा को देखता रहता हूँ। हिंदी भी देखिए, क्या हिंदी भी समझिए क्या बोल रहा है, वह सोमवार को साप्ताहिक कूड़ा कचरा उठाने के लिए बाहर रख रही है, मैंने देखा कि वह सप्ताहांत पर चली जाती है, से कहा जाता है, इसलिए शनिवार और रविवार को हमें उसके लिए लॉन पर बड़े प्लास्टिक कचरे के थैलों को देखना पड़ता है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, बस कूड़े को देखता हूँ, बस कूड़े को देखता हूँ, कौन कहते हैं, टीम का, इस ग्रीन से क्या घर गया तो कह रही थी कूड़ा कचरा जमा कर रही थी, सिर्फ वो देख रहा, आगे देखो, She says to me, मुझसे कहती है, go pick up the gum, your wrapper, your 3-1 mile lawn. जाओ उठाओ जो तुम, मैंने चिंग गम का जो है पेपर जो है लपेटने वाला जो फेंका है हमारे लॉन पर, जाओ उसको उठाओ, put in on one of the plastic bags, और इसे प्लास्टिक बैग थैले में रख दो, didn't anybody teach you not to litter, क्या तुम्हें कोई बताता नहीं है जो कैसे ढेर लगाया जाता है, कोई ज्ञान नहीं दिया है, उसको डांट देता है जिम, हो देखो बहुत अच्छा कहानी, देखो इसमें समझे पूरे, वह मुझसे कहती है जाओ उस गम रेपर को उठाओ, च्युइंग गम जिसे कहते, गम मतलब उसने मेरे लॉन पर जो फेंका था, इसे प्लास्टिक की थैलियों में से एक में डाल दो, वैसे ही फेंक देते हो कहीं, क्या किसी ने तुम्हें पूरा ना फैलाने का नहीं सिखाया, क्या तुमको कोई सिखाया नहीं, अब देखो उल्टे उसी को ज्ञान देने लगा, अब वही होता है ये जीवन में भी ऐसे लग, किसी को तुम अगर ज्ञान देने चला गया तो तुम्हें वो ज्ञान देने लगेगा, वो इसलिए अपन ज्ञान अपने पास रखो बुआ रे, और जब जहिया ज्ञान का तुम्हारा ये होगा सही कीमत तुमको मिल जाएगा, लोग अपने आप जान जाएगा, नहीं वास्तव में सही कह रहा था, तब जाके वैल्यू देगा, इसलिए उस मुकाम पर हासिल कर लो, अपने लक्ष्य को हासिल कर लो, फिर अपना देना, तुमको ज्ञान फिर देना नहीं, लोग तुमको उदाहरण मानकर डालेगा अपने अंदर, फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए अपने आप को साबित मत करना, चुपचाप अपने मेहनत में लगे रहो, खूब मेहनत करो और दिखा दो एक दिन वास्तव में हम है क्या, लेकिन शांत रहकर शोरगुल करके नहीं, शांत रहकर मेहनत करके दिखा सकते, वाकई में हु आर यू और व्हाट कैन यू डू, तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते, कहाँ थे हम लोग, अब देखो वही कहता है, कहती है मिस ग्रीन जिम से, तुम्हें कोई कूड़ा नहीं फैलाने को नहीं सिखाया, अब देखो, आई होल्ड माई टेपर
टेम्पर एंड पिकअप माई गम रेपर एंड पुट इन बे। मैं जो है अपना गुस्सा नियंत्रित करता हूँ, अपने गुस्सा को कंट्रोल करता हूँ और गुस्सा को कंट्रोल करके देखो फिर आगे क्या बोलता है। अपना जो है गम रेपर जो है उसमें से एक बैग में से रख देता है। देन ही से सी सेड एंड देयर्स लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लेश। और फिर वो कहती है क्या तुमको पता नहीं कानून है इस शहर में कुत्ते को जो है लेश से पट्टे से बांध कर रखना चाहिए। तो भाई योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द पैलेस, तुम्हारा जो कुत्ता है क्यों मैंने वाइज योर ऑल ओवर द पैलेस। आपका जो कुत्ता है इधर उधर माने भाई इज योर डॉग, डॉग यहाँ डॉग ऑलवेज ऑल ओवर द पैलेस, तुम्हारा माने कुत्ता इधर उधर घूमता रहता है। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मैसेज ऑफ द यार्ड, वो जो कुत्ता है हमारी बगीचा को खोद दिया है, तहस नहस कर दिया है आंगन को। एंड लास्ट वी कैन मिस मिस्टर विलियम सॉ इट टियर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स। और लास्ट वी कैन माने जैसा कि मिस्टर विलियम देखा था माने ये जो है हमारे पूरे कचरा का जो बैग जो है उस सबको भी फाड़ दिया था। मिस ग्रीन कहती है गवाही देते हुए मिस्टर मिस्टर विलियम भी देखा था लास्ट वी कैन। क्या हिंदी देख लो, मैं अपना गुस्सा नियंत्रित करता हूँ और अपना गम रेपर उठाता हूँ और एक बैग में रखता हूँ। फिर वह कहती है और इस शहर में कुत्तों को पट्टे पर रखने के लिए बारे में कानून है, तो आपका ही हर जगह क्यों रहता है, आपका कुत्ता इधर उधर क्यों रहता है। वह कुत्ता मेरे बगीचे को खोदता है और मेरे आंगन का गंदा कर देता है, तहस नहस कर देता है। और पिछले सप्ताह यानी वीकेंड में श्री विलियम्स ने उसे मेरे कूड़े के थैलों में से को फाड़ते हुए देखा था, मैंने थैला सब फाड़ता रहता है, इधर उधर कूड़ा कचरा को कर देता है, जैसा कि विलियम देखा भी है एक दिन गवाही देते हुए। अब देखो आगे क्या है, देखो वो अरे थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन एक एक चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ा सब रखना और एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, तो अपने गुस्सा को जो है नियंत्रण करता है नहीं कौन थी वेल आई से। और अच्छा कि मैं कहा अच्छा ऐसे बट आई कैन थिंक अबाउट एनीथिंग ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। देन आई सी शी इज फिलिंग न्यूज पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। मैं बोला ठीक है मैं कहता हूँ लेकिन मैं इसके साथ कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच सकता। तब मैं देखिए वह अपने पूरे के थैलों के पास अखबारों को ढेर लगा रही और फिर क्या होता है माने वो जो है महिला जो है अखबार को ढेर लगा रही थी मिस ग्रीन ना सब कुछ बोला ठीक है लेकिन फिर वो क्या करती है न्यूज़पेपर को ढेर लगा रही थी। फिर क्या कहते हैं जिम सुदेव बहुत छिल जाता। लिसन मिस ग्रीन लिसन मिस ग्रीन आई से सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इन टू न्यू पेपर। सुनिए मिस ग्रीन मैं कहता हूँ इसे मैंने बचाइए इस पेपर को स्कूल के बच्चे के लिए रखिए एंड दे कैन बी मेड इन टू न्यू पेपर। वे जो लोग जो है इसे नया पेपर बना सकते हैं। सेव एल्यूमिनियम कैंस और एल्यूमिनियम के डब्बे को भी बचाइए। अब देखो सलाह दिया, चलो इसका हिंदी भी देख लो अच्छे से लाए। हम देखो बताते हैं लेकिन आपके नोट में रहेगा एक एक चीज को आप बारीकी से समझ सकते हैं देख सकते हैं। बाद में सुनो सुश्री ग्रीन, सुश्री कहती है श्रीमती ने, मैं कहता हूँ उन कागजों को स्कूल से लेने के लिए बचा कर रखते
बच्चे के लिए, और उनसे नया कागज बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम के डब्बे भी, डिब्बे भी बचा कर रखिए, रखो है, जो से भी जो है आगे कोई वस्तु बनाया जा सकता है एल्युमिनियम। अब आगे देखो, फिर कह रहे हैं लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी एक्स व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप, इट्स इजियर टू थ्रो देम अवे फ्यू एट ए टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट। तुम माने जैसा कि तुम लास्ट स्कूल पिकअप के बारे में लाइक की तरह मैंने पिछले पिकअप की तरह मैंने कहा था, वह कहती है तुम कहा था कि तुम आओगे पिकअप करने के लिए पेपर को, लेकिन कहाँ आया। बट यू नेवर सब, तुम कहीं दिखा भी नहीं। इट इज टू थ्रो, ये जो फेंकना अच्छा है, आसान है हमारे लिए, एक से कुछ समय के बाद। देन हैव ए बिग मैस लाइक दैट, माने बहुत सारा ढेर लगाने से तो अच्छा है जो फेंक दें हम उसको। ये कहते हैं कौन, मिस ग्रीन। यानी पिछले आखिरी स्कूल पिकअप की तरह वह पूछती है जब आपने कहा था आप आएंगे और उन्हें ले जाएंगे पूरे कचरे को पेपर को, लेकिन आप कभी नहीं आए। ऐसे बड़ी गड़बड़ी करने की तुलना में उन्हें एक बार फेंकना आसान है, और ऐसा क्यों कर, हम फेंक ही देंगे, तो ये अपना मन था। अब आगे देखो, I get tired trying to get Miss Green to do something about ecology. मैं थक गया कहते कहते Miss Green को कुछ करने के लिए पर्यावरण के बारे में। I go to Mr. Johnson house. अब मैं कहाँ जाता हूँ, Mr. Johnson घर जाता हूँ। He makes a run for his car. वो दौड़े जा रहे हैं कार की तरह। But I can run faster than I can. और मैं भी जो है वो भी बहुत तेज दौड़ते हैं, और मैं भी खूब माने उनसे भी तेज दौड़ा कि मैं उनसे भी तेज दौड़ सकता हूँ। क्यों कह रहे हैं, ये भी कहते हैं परिस्थिति को समझ लू थोड़ा। मैं सोच रही परिस्थिति के बारे में कुछ करने का प्रयास करते करते थक गया हूँ। मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ, अपनी कार के लिए दौड़ता है, लेकिन मैं उससे कभी उससे भी तेज दौड़ सकता हूँ, ये कहते। तो आगे देखो, जस्ट आई ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज ही सेड हफिंग एंड पफिंग, बस डाक घर बंद होने से पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो खींचते हुए कहता है, माने हफ्ते में कहता है। बस डाक घर माने वो जानता है जिस सबको पर्यावरण का ज्ञान दे रहा है, हमको फिर ज्ञान देने चला। डर के मारे बेचारा भाग रहा था कार की तरफ, और जल्दी से पोस्ट ऑफिस की तरफ जाने का। कौन, मिस्टर जॉन। लेकिन देखो क्या होता है, बस डाक यू गोट टाइम, आप फिर कहते हैं अब जी यू गोट टाइम, आई से यू हैव वैन गोट टाइम टू वॉक, इट्स ओनली टू ब्लॉक्स, यू शुड डोंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस एंड नॉट पॉल्यूट, दैट्स इकोलॉजी। यही कह रहे हैं, आपके पास तो समय है, मैं कहता हूँ आपको टहलना चाहिए, आप टहलने का भी समय है आपके पास, और दो ही ब्लॉक के बाद यानी दो बिल्डिंग के पास पोस्ट ऑफिस है, आप इतना दूर के लिए कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू शुड नॉट टेक योर कार, आपको जो है कार नहीं लेनी चाहिए व्हेन यू डोंट नीड टू, अब जब आपको जरूरत ना पड़े। थोड़ा सा दूर के लिए आप कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, और टहलना आपका लिए माने एक अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, एंड सेव ऑन गैस, और गैस का भी बचाती होगा, डीजल पेट्रोल का नहीं, एंड नॉट पोल्यूट, प्रदूषण भी नहीं होंगे, दैट्स इकोलॉजी, यही तो इकोलॉजी है, यही तो पर्यावरण का संरक्षण है, कहते हैं। तो तुम्हें समय मिल गया, कहते तुम्हें समय मिल गया, मैं कहता हूँ आपको पैदल चलने का भी समय मिल गया है,
केवल दो ब्लॉक है, जब आपको जरूरत ना हो तो आपको अपनी कार नहीं लेनी चाहिए, पैदल चलने से अच्छा व्यायाम होगा और गैस की बचत होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। यही परिस्थिति की है, यही इकोलॉजी है, कहते हैं जिम कहते हैं मिस्टर जॉनसन से। अब आगे देखो, दिस योर आई से वी हैड अ लॉट ऑफ अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टप लाइक दैट। तो निश्चित रूप से है, मैं कहता हूँ हमारे स्कूल में पेड़ों और परिस्थिति के बारे में बहुत कुछ है, वे हवा को बेहतर बनाते हैं और इसी तरह की चीज़ें करते हैं। और तो निश्चित रूप से हैं कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जो है ये हमारे स्कूल में पेड़ों और परिस्थिति के बारे में बहुत कुछ पढ़ाई करते हुए अपने मैंने के बारे में बात करते हैं, हवा को बेहतर बनाते हैं और इसी तरह की चीज़ें करते हैं। वास्तव में पेड़ लगाने से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग को भी पेड़ लगाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कोई बुजुर्ग कह गए थे कि पेड़ एक ऐसा वृक्ष है जो आप रहे ना रहे आपके बेटा पोता उससे माने फल ऑक्सीजन बहुत कुछ करते हैं आपके ना रहने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं संपत्ति पुरखा तक चलता है, जनरेशन 2-3 तक चलता है।